नाज़रीन, आज अपने शो में हमने दावत दी है एक रिक्शा ड्राइवर को, हमारे साथ मौजूद है पिल्ला ड्राइवर। मैं वैसे माफी चाहता हूँ, आपने पहली बात ही गलत कर दी है। आपने मुझे कहा था कि आपकी इज्जत का ख्याल रखा जाएगा, आपको ड्राइवर नहीं कहा जाएगा। आप ड्राइवर ही है भाई जी, पायलट कहते हैं आपकी कुछ मान सड़ती है। पायलट कैसे कह दूं आपको, पायलट तो जहाज का होता है। आहो जी, तो वो कौन सा ऐसा कोई तीर चला रहा होता है, ना सज्जे टांगा ना खब्बे पास, स्यापा तो हमें पड़ा होता है जो इतने ट्रैफिक के अंदर से रख जाए लेके निकल जाते हैं, ना उसे पीछे से कोई आवाज लगा रहा होता है और परे मारो मामा, ना तो ऐसी बात होती है कोई जहाज कभी टोए में लगा हो ये पीछे से सवारी ने उनको ठाप मार दी हो। सही तो हम पायलट हैं, सब कुछ बर्दाश्त करके फिर अपना तैयारा लेके जा रहे होते। अच्छा चलो मैं अपनी तस्सी कर लेता हूँ। नाज़रीन हमारे साथ है जनाब पिल्ला पायलट साहब। बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी। ये क्या कर रहे हो जनाब, इंटरव्यू का सफर शुरू होने लगा है, सवारियां बैठ गई है शीशा तो सारी पा। अच्छा गुस्से में आ गए हो, कुछ सलाम दुआ तो कर लो। कर लेते हैं जी, बड़ी मेहरबानी जनाब। जख्मी निगाहों का मस्त निगाहों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और ये तुम क्या कर रहे हो? ये जनाब पिछली सवारी की तरफ शीशा सेट करना पड़ता है। अच्छा आपसे एक बात पूछनी है जी। पूछे। ये पीछे ट्रैफिक को देखने के लिए तो चले ठीक है, लेकिन ये अपनी सवारियों में क्यों सेट किया होता है? जिंदगी सेट करने के लिए। मेरा मतलब है सवारी से बात करने के लिए, पिछली सवारी ने हमें बताना होता है कि सज्जे अगो खब्बे अगो सज्जे, तो शीशे में देखेंगे तो पता चलेगा ना सज्जा खब्बा की तरह। अच्छा बिल्ला जी ये बताएं कि लोग ये कहते हैं कि रिक्शे में बैठना ऐसी है जैसे मौत के मुंह में बैठना। अब हमें भी तो देखे ना, वो के रिक्शे वाले फरमाया है रक्षा ड्राइवर की जिंदगी अजब खेल है, मौत से बच गए तो सेंटर जेल है। ये भी तो देखे ना, इतनी तेज चलाया करे ना आप लोग। साथ वाली ट्रैफिक इतनी स्लो चल रही होती है, उसकी वजह से लग रहा होता है हम बड़ी तेज जा रहे हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं होती। मोड़ भी बहुत खतरनाक तरीके से काटते हैं। एक सवारी ने मुझे एक दफा कहा था कि बिल्ले तुम बहुत तेज मोड़ मोड़ते हो, डर लगना शुरू हो जाता है। वो मैंने कहा डर जिस बात का, तुम भी आंखें बंद कर लिया करो। क्या मतलब, आप भी आंखें बंद कर लेते? वो जी आंखें बंद ना करे तो मोड़ मोड़ता ही रख से आगे भी बंद कर लेते हो? वो जी जान किसको नहीं प्यारी, आंखें बंद कर भी जान बंद कर। तैयारी में कोई एक मोड़ दिन मोड़ना होगा, डर से नीने से अच्छा बंदा आंखें बंद कर। अच्छा बिल्ला जी एक इल्जाम ये भी है आप लोगों पे कि आप रिक्शा में बहुत ज्यादा सवारियां ठोस लेते हो। और नहीं जनाब, जब ज्यादा सवारियां बैठती है रक्षा बदला हो जाता है। अल्लाह ताला ने रक्षे को ये तौफीक दी हुई है, और जितनी सवारियां हो उतना बदला हो जाए। लेकिन फिर भी यार चार चार पांच पांच सवारियां, दो दो तीन तीन बच्चे साथ। और सरकार इसमें तो आपको रक्षे वालों को शुक्रिया कहना चाहिए, हम बच्चे फ्री लेके जाते हैं। एक दफा सवारी मुझे मिली छह बच्चे उसके साथ साथ, तीन बंदे बहुत। कहते हैं भाई जी क्या लोग जाने का, मैंने कहा जी तीन सवारी है, वो बात 300 दे देना बच्चे फ्री। वो मुझसे भी ज्यादा चला कर निकला, कहता बिल्ले तुम बच्चे लेके निकलो और तीनों फिर मोटरसाइकिल भी आते। अब बिल्ला जबान दे बैठा होता लेके जाना। खैर हो गया हंसे ना बीबी जी, इतना फिर ध्यान शीशे की तरफ जाता है, अभी एक्सीडेंट भी हो सकता। इतनी सवारियां ठोसने के अलावा ऊपर से छटके इतने लगते हैं यार। ऐ रंग बाजी जनाब, रक्षे के झटके तो नसीबों वालों को मिलते हैं। अब तो इसमें गाने बनने शुरू हो गए हैं, जोर का झटका है दोनों से लगा। ये बादलेर ने हमारे लिए दबाया है। यार आप उन सवारियों के साथ बदतमीजी भी बहुत करते हो। अरे रंग बाजी सवारियां कौन सा, हमें डॉक्टर साहब कहती है। हाँ दूजा बंदा तो मजाक कर रहा होता है। ये भी आपके स्टूडियो की तरफ आ रहा था, बंदा मुझे कहता भाई स्टेशन पे जाना है, मैंने कहा हाँ जी, तो कहते जाओ। रंग बाजी बड़ा बड़ा रंग बात करता है जी। हमें बंदे को मैंने ले आ रही का 200 रुपया बताया, कहता 200 रुपया ले आ रही का, कहता 100 ले लो, मैंने कहा 100 में कौन लेके जाता है ले आ रही, कहता तुम पीछे बैठो मैं ले जाता हूँ। बिल्ले रोज के कितने पैसे कमा लेते हो? रोजाना जनाब 50 काम, कभी 150 बन जाता है, कभी 50 काम पौने 200 बन जाता है। 50 काम क्या? 50 पुलिस को देने पड़ते हैं। पुलिस को? रंग बाजी जनाब, ये रुपया चलता है तो भैया चलता है।
ऐ को के रक्षे वाले ने कहा ना कोई धंधा ना कोई काम रिश्वत अच्छा तुम्हारे अपने रिक्शे के पीछे क्या लिखा हुआ जा नहीं जा पिल्ला मेरा पहले मैंने लिखा था रक्षे में मैं बनाऊंगा ट्रक बनूंगा छह सात साल गुजर गए बड़ा ही नहीं हुआ मैंने कहा रंगबाजी मिटा दी अच्छा तुम्हें पिल्ले रिक्शा चलाना कैसा लगता है रंगबाजी